ज मारिया खान सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर ऑफ हमारा डॉट कॉम उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम व्यूअर्स, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं हमारे जितने न्यू सब्सक्राइबर्स हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे ऑन दिस चैनल वी ट्राई टू मेक कॉन्टेंट जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड उसके साथ जो भी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है वी ट्राई टू शेयर ऑल दोज ऑप्शन विद यू सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो डू नॉट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड हिट द बेल एज वेल वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो है बेसिकली रिंग रोड के बारे में एंड रिंग रोड के बारे में जो है वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये कि काफ़ी लोग मेरे से सवाल कर रहे थे काफ़ी लोगों को आइडिया ही नहीं है कि व्हाट इज़ रिंग रोड ऑल अबाउट तो आई डिसाइडेड कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि सिंपल हो और आप लोगों को आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ रिंग रोड ऑल अबाउट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिंग रोड की हिस्ट्री से स्टार्टिंग से तो रिंग रोड का जो आइडिया है वो प्रपोज़ हुआ था जब जनरल प्रवेज मुशरफ का दौर था आ, उस टाइम पे ये आइडिया प्रपोज हुआ था और ये आइडिया ये था कि रिंग रोड बनाया जाए जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो लोग हैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से फैसिलिटेट किया जाए रिंग रोड इज़ बेसिकली यू कैन से इट्स इट्स इन रिंग शेप एंड नॉट जस्ट दैट ये डिफरेंट uh, जो मेन पॉइंट्स हैं रावल एंड इस्लामाबाद के उनको ये टच करते हुए गुजरेगी एंड हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प इज़ के इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगी बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से जहाँ पर सेफ्टी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं मतलब आ, अंधेरा है कुछ सड़कें बीच में से निकल के जा रही हैं मतलब इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल एंड फैसिलिटेड अ लॉट ऑफ पीपल बोथ ऑफ द सीरीज़ एक्चुअली नाउ कमिंग बैक टू अगेन द बिगिनिंग जब ये आइडिया प्रपोज हुआ उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई जो सेकेंड गवर्नमेंट आई दे डिड नॉट रियली पे अटेंशन टू रिंग रोड और उसके चार साल गुजरने गुण के बाद uh, जब दोबारा से गवर्नमेंट आई तो उस दौर में फिर ये हुआ कि आ, रिंग रोड की जो प्लानिंग है उसका एरिया उसके लैंड वगैरह की बाइंग हुई इस गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की मैं आपको ये बात बता रही हूँ रिंग रोड की का जो लैंड था वो वो बाई किया गया जो उसका एरिया था उसकी स्टार्टिंग हुई इसके मैप्स वगैरह की अप, का अप्रूवल एंड ऑल दो थिंग स्टार्टड अब हुआ ये कि आ, जब वो गवर्नमेंट गई और ये गवर्नमेंट आई एंड जब रिंग रोड को जो है फाइनली इनाग्रेट करने का टाइम आया तो जब ऑल ओवर पूरी तरीके से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि uh, इसकी जो अलाइनमेंट्स हैं वो सही नहीं हैं uh, जिस तरीके से जिस प्लान के तहत ओरिजिनल प्लान के तहत जो है रिंग uh, रोड को बनाया जाना था उस उस प्लान के अकॉर्डिंगली वो रिंग uh, रोड नहीं था एंड इट वाज आप लोग कह सकते हैं कि उसको इस तरीके से uh, बनाया जा रहा था कि इट वॉज़ गोइंग टू फेसिलिटेट पीपल एंड हाउसिंग सोसाइटीज़ दैट इट वॉज नॉट सपोज टू और इस पूरे मामले का काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल बना आ, पिछला से पूरा साल हम लोग ये न्यूज़ सुनते आए रिंग रोड के हवाले से काफ़ी स्कैंडल बना इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हुई और फिर उसके बाद जो हक सामने आए चीज़ों के बारे में पता चला तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो प्लान था जो ओरिजिनल प्लान था जो कि ओरिजनली इस्लाम आबाद के जो रेजिडेंट्स हैं ट्रैवलर्स हैं लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जा रहा था फिर ओरिजिनली उसी उसी मैप को जो है अप्रूव किया गया नॉट द अदर मैप क्योंकि जब ये पता चली ये चीज़ के मैप में काफ़ी सारे इशूज़ हैं आ, किसी आ, कह सकते हैं कि अल्टीरियर मोटिवस के लिए जो है उसको चेंज किया गया रीज़न इट वॉइज़ उसमें मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोलिटिकल डिटेल्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं तो आई थिंक के आई विल जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल तो वो इशू सॉर्ट आउट हो गए और जो ओरिजिनल प्लान था रिंग रोड का उसी के अकॉर्डिंगली uh, जो है रिंग रोड को बनाया जाएगा ये चीज़ अप्रूव हो गई और उसके बाद अभी रिसेंटली जो है इमरान खान साहब ने जो है रिंग रोड का इनाग्रेशन किया अब मैं अगर uh, रिंग रोड के कुछ और मज़दीद डिटेल्स आप लोगों uh, तो के साथ शेयर करूँ अभी बेसिकली रिंग रोड इज़ ऑन इट्स फर्स्ट फेज़ तो फेज़ वन के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो डिटेल्स हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो डिलीवर करूँ और जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी मैं आप लोगों से साथ साथ शेयर करती जाऊंगी तो सबसे पहले तो ये कि रिंग रोड के जो है अभी के लिहाज से इसके पांच इंटरचेंजेस हैं जिनके बारे में बताया गया है और हर इंटरचेंज के ऊपर एक डिफरेंट पोर्ट होगा हर इंटरचेंज जो है वो दूसरे इंटरचेंज से डिफरेंट होगा एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू यू कैन से फैसिलिटेट करेगा लोगों को चाहे वो वहाँ के करीबी रहायशी हों कोई दूसरी सिटीज़ से आ रहे हों जैसे कि मैं अगर पहले इंटरचेंज की बात करूँ तो वहाँ पर ड्राई पोर्ट होगा नाउ ओवर इज़ ड्राई पोर्ट ड्राई पोर्ट इज़ बेसिकली आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो भी कार्गो की का सामान होता है शिपमेंट होती है वो उस लिए यूज़ होता है फॉर बेसिकली यू कैन से एक सामान सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और यूजुअली जो सी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू होता है इस चीज़ का कि इतना ज़्यादा वहाँ पर सामान कलेक्ट हो जाता है और डिले हो डिलेज आ रहे होते हैं प्रॉपरली जो है शिपमेंट्स जो आ रही हैं या जा रही हैं वो डिले हो रही होती हैं वो जो चीज़ है वो बहुत हद तक इससे सॉर्ट आउट हो जाएगी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ह्यूज पोर्ट फॉर दिस ओनली पर्पज सो ये होगा वहाँ पर एक एक इसके इंटरचेंज पर ड्राई पोर्ट होगा उसके बाद जो इनका सेकंड पोर्ट है uh, वो बेसिकली क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पर बनेगा और वो होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अब जो अब जो आईसीसी के स्टैंडर्ड्स uh, हैं अगर मैं उनकी बात करूँ अकॉर्डिंग टू आई सी सी स्टैंडर्ड्स जहाँ पर भी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए फॉर इंटरनेशनल गेम्स वहाँ पर सेवन स्टार होटल होना ज़रूरी है वहाँ पर जो है प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम होना ज़रूरी है वहाँ पर जो है जितनी तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं जो स्पोर्ट्स मैन जो प्लेयर्स वगैरह हैं उनको चाहिए होती हैं जैसे पास सोनाज जिम एट्सट्रा ये सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द हाइस्ट स्टैंडर्ड स्टेडियम पाकिस्तान एवर हैड और अब मैं बात करूँगी इसके एक और इंटरचेंज के बारे में उस इंटरचेंज पर बेसिकली बनाया जाएगा आई टी पार्क नाउ वी टी पार्क इफ आई टॉक टू लोगों ने सिलीकॉन वैली का नाम तो सुना होगा सिलिकॉन वैली इज़ बेसिकली इट्स इट्स अ हब ऑफ आई टी एंड बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो सिलिकॉन वैली से कनेक्टेड हैं इसी तरह का सिलिकॉन वैली के ही तर्ज का यहाँ पर आई टी पार्क बनाया जाएगा और वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी लोग हैं जो आई टी से रिलेटेड हैं दे वॉन्ट टू डू समथिंग एंड आई टी का एक रूल है जो लोग आई टी में काम करें जो लोग uh, बहुत ज़्यादा इंडर्ज हैं इसमें उस चीज़ को जानते हैं आई टी इज़ ऑल अबाउट स्टेइंग वन स्टेप अड ऑफ एवरी वन सो उसके लिए जदीद से जदीद चीज़ें होना ज़रूरी है फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी हैं हर चीज़ अपडेटेड होना ज़रूरी है और आई टी पार्क इज़ गोइंग टू प्रोवाइड दैट टू ऑल द पीपल आर रिलेटेड टू आई टी तो ये आ, कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की रिंग रोड के डिफरेंट इंटरचेंजेस के हवाले से इसके अलावा और भी मज़ीद जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी फॉर नाउ आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ रिंग रोड ऑल अबाउट और इसके अलावा फर्दर अगर मैं रिंग रोड के फ़वाद आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो ये हैं कि आ, रिंग रोड जो है वो जितने भी राउल इस्लामाबाद के मेन पॉइंट्स हैं उनको टच कर रहा होगा ठीक है डिफरेंट सिटीज़ हो गए जैसे कि डिफरेंट टाउन्स हो गए Uh, जो लोग बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं डीएचए में रहते हैं इस्लामाबाद में रहते हैं कलर सईदा वाली साइड पर रहते हैं जितने भी लोग इस्लामाबाद आबाद की प्रॉक्सिमिटी में हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उनके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी सिटी टू तो सिटी ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा जो ट्रैफिक हमारे सिटी में बढ़ता जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी वो थोड़ा कम हो जाएगा जिस तरह के लाहौर में जब रिंग रोड बना तो उसका लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है एंड जो लाहौर के रहने वाले हैं आई एम श्योर दे विल एग्री टू दिस सेम वे इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए भी इसी तर्ज का रिंग रोड बनाया जाएगा बट इसके जो इंटरचेंजेस uh, की डिटेल्स हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी इंटरचेंजेस विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट सो व्यूअर्स ये uh, एक सिंपल सी वीडियो थी आप लोगों के लिए रिंग रोड के हवाले से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी फर्दर मोर अगर आप लोग मजीद रिंग रोड के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट्स uh, में मुझे बताइए आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं एंड आई ट्राई टू इन शाला आंसर ऑल ऑफ़ दोज़ फर्दर मोर जैसे जैसे रिंग रोड की अपडेट्स आती जाएंगी आई मेक श्योर कि हम लोग आपके साथ वो शेयर करते जाएँ टाइम टू टाइम ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहें हमारे साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आर चैनल शेयर दिस वीडियो वेल हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम वी आर अपलोडिंग अ न्यू वीडियो और अगली दफा तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज अमानत डॉट कॉम पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल मशवरा अमानत है